सचिन को जोड़ लेते हैं। सचिन, गुड आफ्टरनून, आपकी ट्रेड। गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून अर्चना, गुड आफ्टरनून नरेंद्र जी। यहाँ पर छोला फाइनेंस का हमने कल सेटअप डिस्कस किया था। जिस तरीके से 1200 के आसपास इसका ब्रेकआउट प्लेस्ड है, वो ब्रेकआउट आज के सत्र में काफी अच्छी तरह एविडेंट है एंड डिस्क्लोजर होगा कि हमने हमारे क्लाइंट्स को भी ये रिकमेंडेशन अभी अभी दी है। मुझे लग रहा है लगभग 1245 से लेके 1300 के जोन में एक अच्छी मूव यहाँ पर अनफोल्ड होनी चाहिए। एक अच्छा क्लस्टर ब्रेकआउट है पिछले 3 दिनों का, तो स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 1200 के आसपास ही प्लेस करना है एंड खरीदारी करनी है चोला फाइनेंस के फ्यूचर्स में। ट्रेडिंग के लिहाज से टारगेट होगा अराउंड 1245। ओके, तो 1245 का टारगेट लेकर चोला फाइनेंस में एक ट्रेड का मौका तेजी का ही बन रहा है। सचिन, एफएमसीजी स्टॉक्स कोई समझ में आ रहा है आपको इस लेवल पर? मैरिको फॉर एग्जांपल। हेलो जी, मैरिको डेफिनेटली जिस तरीके से यहाँ पर चाल अनफोल्ड हो रही है, एक काफी बड़े डाउन ट्रेंड के खत्म होने के ही संकेत आ रहे हैं। वीकली चार्ट पे लगभग पिछले 8 महीनों से एक लो टॉप लो बॉटम सीक्वेंस थी, वो पर्टिकुलर सीक्वेंस कहीं जाकर थम गई है। एक अच्छा फ्लोर इसने 490-495 के जोन में बनाया है, वहां से ही एक काइंड ऑफ अ ट्रिपल बॉटम फॉर्मेशन से बाउंस बैक इवॉल्व हो रहा है। तो मुझे लग रहा है ये रिकवरी काफी शानदार होनी चाहिए। 530 के आसपास के ट्रेजेक्ट्री यहाँ पर इमिडिएटली नजर तो आ रही है, तो इमिडिएट बेसिस पे अगर किसी ने लॉन्ग पोजिशन बनाई है तो उसे होल्ड करने की सलाह होगी। रिव्यू जोन होगा अराउंड 530 का, एंड मुझे लग रहा है अगर मार्केट का टेक्सचर भी थोड़ा सा इंप्रूव हो जाता है तो आई थिंक 560-570 तक भी ये पर्टिकुलर चाल एक्सटेंड हो सकती है। ओके, करीब करीब 300 पॉइंट्स ऊपर, 48,346 अब बैंक निफ्टी का लेवल। और यहाँ पर एक बार ज़रा इसको देखते हैं, HDFC बैंक 195 पॉइंट कंट्रीब्यूशन, लेकिन ICICI बैंक जो शो के शुरू में नेगेटिव कंट्रीब्यूशन कर रहा था, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन कर रहा है। एक बार ICICI बैंक का इंट्राडे चार्ट लेकर आते हैं। ICICI बैंक यहाँ पर इंट्राडे में आपको दिखाई देगा कि ये थोड़ा सा अब मोमेंटम पिक करता हुआ और डे हाई की ट्रेजेक्टरी में 1080 ICICI बैंक पर इस समय। सचिन, ICICI बैंक। अनुज कंपैरेटिवली थोड़ा सा वीक है। इनफैक्ट वीकली चार्ट्स पे अगर हम देखें तो लगातार 1100-1110 के आसपास इसे सप्लाई प्रेशर ही फेस करना पड़ा है। नीचे 1070 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है। अभी भी जिस तरीके से इसकी प्राइस एक्शन है, आई थिंक काफी इंपॉर्टेंट होगा इसे अपने 5 एंड 20 एक्सपोनेंशियल एवरेज के ऊपर की क्लोजिंग एस्टैब्लिश करने, जो फिलहाल प्लेस्ड है लगभग अराउंड 1092 के आसपास। तो मुझे लग रहा है जब तक ये पर्टिकुलर लेवल रिकॉन्कर नहीं होता, आई थिंक तब तक बड़ी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए काउंटर में। ओवरऑल एक्सपेक्टेशन ये होगी कि थोड़ा सा साइडवेज टू नेगेटिव ये पर्टिकुलर स्टॉक ट्रेंड हो सकता है इवन इन द कमिंग वीक। ओके, चलिए। सचिदानंद, एफएनओ सुपरस्टार। दर्शक, मुझे ITC का ही स्ट्रक्चर इनफैक्ट शानदार लग रहा है। आई थिंक विरू जी ने ऑलरेडी इसे आइडेंटिफाई किया है। जिस तरीके से इसका थ्रू आउट दिस वीक परफॉर्मेंस था, एक अच्छा बेस इसने अराउंड 425 के आसपास रिकन्फर्म किया है, वहीं से एक अच्छी ब्रेकआउट वाली मूव यहाँ पर अनफोल्ड हुई है। तो मुझे लग रहा है अगले कुछ दिनों के लिए इस पर्टिकुलर स्टॉक में जरूर मोमेंटम रहना चाहिए। पैटर्न वाइज अगर हम देखें तो एक क्लासिक कपन एंडल फॉर्मेशन है 60 मिनट चार्ट में, जिसका पैटर्न टारगेट लगभग अराउंड 446 के आसपास प्लेस्ड है। तो यहाँ पर थोड़ा सा पोजिशनल नजरिया रखे, स्टॉप लॉस लगाए 424 पे ऑन अ क्लोजिंग बेसिस एंड अक्यूमुलेट करें ITC को 446 के टारगेट के लिए। ओके, 446 का टारगेट, यहां से लगभग 15 रुपए का अपसाइड आप देख रहे हैं। सचिन, आप क्या कैरी करेंगे? अनुजी, यहाँ पे चंबल फर्टिलाइजर का स्ट्रक्चर इंटरेस्टिंग रहा है एंड थ्रू आउट द डे इसने मोमेंटम भी सस्टेन किया है। तो मुझे लग रहा है एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड करने में कोई हर्ज नहीं है। 390-395 ये दो टारगेट्स के लिए यहाँ पर लॉन्ग पोजिशंस कैरी करने की सलाह होगी 377.50 के स्टॉप लॉस के साथ। मीनवाइल वो शायद सोमवार को पूरी हो जाए। होप और उम्मीद और कामना इसी बात की कीजिए कि नया हाई हमें बैंक निफ्टी पर दिखाई दे सोमवार को सुबह, जब होगी मुलाकात और होगी आपसे बात। अनुज, मैं हर्ष, नीरज और आशीष फिर सब कुछ लेकर आपके लिए सोमवार की सुबह हाजिर होंगे। तब तक के लिए